हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो, ये क्लास 11th की अकाउंटेंसी में चैप्टर फर्स्ट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंटिंग में आज का जो हमारे टॉपिक है, वो दो टॉपिक हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, और सेकंड जो है यूजर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस एंड देयर नीड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम यहाँ पे अकाउंटिंग को एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस क्यों कहते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग को हम एज ए बिजनेस लैंग्वेज भी मानते हैं। जिस प्रकार एक लैंग्वेज से हमें किसी भी सब्जेक्ट को समझने की जो क्षमता प्राप्त होती है, इसी तरह अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की एक लैंग्वेज के रूप में बिजनेस को समझने में हमारी सपोर्ट करती है, मदद करती है। तो इसी का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि बिजनेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस हैं वो हमें प्राप्त हो, और वो प्राप्त करने में अकाउंटिंग एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस के रूप में क्या है कि हमारी सहायता करती है, मदद करती है। क्योंकि अकाउंटिंग के माध्यम से डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हैं वो तैयार की जा सकती हैं, जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और यहाँ पे उनका रिपोर्ट्स का फा जिसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये इनको हम फाइनेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। इन फाइनेंशियल रिपोर्ट को डिफरेंट यूजर्स है वो अपने तरीके से क्या है कि इनका एनालिसिस कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है और अपने हित में इनको यूज कर सकता है। यहाँ पे अगर यूजर्स की बात करें तो यहाँ पे इसमें मैनेजमेंट है, उनको ये रिपोर्ट्स हैं जो बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं जो इस रिपोर्ट के द्वारा जो निकल के आई है उनको मैनेजमेंट यूज कर सकती है। ओनर्स है वो यूज कर सकता है अपने तरीके से, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर्स है, लेंडर्स है और गवर्नमेंट है वो यूज कर सकते हैं, जिसका आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार जो ये रिपोर्ट्स प्राप्त होती हैं ये एक प्रक्रिया के रूप में प्राप्त होती है, यानी कि इसका मतलब अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस के रूप में अकाउंटिंग को हम देखेंगे, तभी ये एक प्रक्रिया के रूप में ही हमें ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये किस प्रकार, ये प्रोसेस किस प्रकार से चलता है, इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले जो बिजनेस से रिलेटेड जो मॉनेटरी जो आइटम्स होती है, ट्रांजेक्शन होती है, उनको बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, जिसमें मॉनेटरी भी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं, जबकि वो बिजनेस के लिए नॉन मॉनेटरी भी कंपलसरी है और मॉनेटरी भी बिजनेस के लिए जरूरी है। उनमें से उन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को क्या आइडेंटिफाई किया जाता है अकाउंटिंग के आधार पे, और फिर उनका मेजरमेंट किया जाता है, उनको मापा जाता है, फिर उनका रिकॉर्ड में रिकॉर्ड रखा जाता है, फिर उनकी समरी तैयार की जाती है, और समरी तैयार करने के बाद में जो रिपोर्ट्स बनाई जाती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है अकाउंटिंग जो के द्वारा, उन रिपोर्ट को फिर क्या है कि डिफरेंट यूजर्स के अंदर कम्युनिकेट किया जाता है, उनको जिस तरह की रिपोर्ट की उनकी जरूरत होती है वो वहां से उनकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा, इसमें यूजर्स की बात करें तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स और उनकी जरूरतें क्या क्या हैं, यानी कि डिफरेंट यूजर्स हमने यहाँ पर लिए, इस तो उनको डिवाइड कर दिया यहाँ पे, एक तो इंटरनल यूजर और दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स। बहुत ही सिंपल है, इसमें इंटरनल यूजर्स के अंदर एक तो हमने ऑनर्स को शामिल किया है, दूसरा मैनेजमेंट को शामिल किया है। भी ऑनर किसे कहते हैं? ऑनर वो है जो कि प्रारंभ में बिजनेस को खड़ा करता है, यानी बिजनेस को स्टार्ट करता है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसे मेन क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो वो जो कैपिटल लगाता है वो ओनर होगा। अब उसने जो कैपिटल लगाई है तो उसे क्या चाहिए, वो प्रॉफिट उसने कितना हुआ, अगर लॉस होता है तो कितना हुआ, दूसरी एसेट्स कितनी प्राप्त हुई, कितनी एसेट्स उसकी चल रही हैं, फ्लोटिंग एसेट्स क्या है,
दूसरी इंफॉर्मेशन, वो सभी इंफॉर्मेशन जो उसको चाहिए वो कह के अकाउंटिंग उपलब्ध कराती है, और वो रिपोर्ट्स के रूप में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के रूप में रिपोर्ट प्राप्त होती है। तो वो यूजर्स के जो ऑनर्स है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने में काम आती है। दूसरा इसमें मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किसे कहते हैं, जो रूटीन का जो बिजनेस का काम है, जो ऑपरेशंस और बिजनेस जो होता है उसके करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। हमें उत्पादन करने के लिए कितना उत्पादन करना है, कितना हमें प्रॉफिट कमाना है, कितनी हमें क्या है कि परचेज करनी है, कितनी हमें सेल करनी चाहिए, तो ये सब तभी होगा जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा। और ये काम सभी कौन करता है, मैनेजमेंट। उसे हम शामिल जो व्यक्ति होते हैं, जो एक चेन होती है उसे हम मैनेजमेंट के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो भी इनकी जो मैनेजमेंट की है वो जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होती है। उसको टाइम समय के ऊपर जो डिसीजंस लेने होते हैं बिजनेस के, वो इन रिपोर्ट के आधार पे वो मैनेजमेंट है वो अपना डिसीजंस ले सकती है और उनकी अपनी जरूरतें जो है वो पूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि भी इसमें एक्सटर्नल यूजर्स है। एक्सटर्नल यूजर्स में एक तो इन्वेस्टर्स है। इन्वेस्टर कौन होता है, जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि वो पैसा लगाएगा ना, उसके ऊपर क्या है कि उसे प्रॉफिट चाहिए या उसको इंटरेस्ट चाहिए। ये उस तरह से इन्वेस्टर कई तरह के हो सकते हैं। तो आप इन्वेस्टर के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन आपकी बिजनेस को रिपोर्ट कैसी है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ऐसे तो वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसको जो रिपोर्ट के आधार पे, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट के आधार पे वो निर्णय लेगा कि बिजनेस का भविष्य कैसा है, तभी वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो इसकी ये रिक्वायरमेंट है वो अकाउंटिंग पूरा कर देती है। उसके बाद में क्रेडिटर्स, जो माल उधार देता है बिजनेस को, उसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं। कैश तो नहीं देता, लेकिन ये माल उधार जो है, जो हम परचेज करते हैं, परचेज बिजनेस जो परचेज करता है उससे, उसको क्रेडिटर कहते हैं। और उसका क्या है कि भुगतान कुछ समय के पीरियड के बाद में उसको किया जाता है। तो वो तभी माल उधार देगा तब उसे बिजनेस की पूरी जानकारी हो। तो वो जानकारी जैसी उसको रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर पूरी हो जाती है। उसके बाद में लेंडर्स जो है, लेंडर जो उधार देते हैं, दो तरह के लेंडर हो सकते हैं। एक तो क्या है कि शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। अब बैंक, जैसे अगर आप बैंक से उसे पैसा चाहिए, इमरजेंसी में पैसा चाहिए, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया। अगर सालों के क्या 10 साल 15 साल के लिए उसको पैसा चाहिए तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म हो गया। तो जो बैंक है जो उधार दे रहा है बिजनेस को, तो वो क्या हो गया, लेंडर हो गया। उसकी ये भी, इसे भी ऐसे ही बिजनेस को पैसा उधार नहीं देगा, उसी उससे रिपोर्ट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो जो पूरी होंगी तभी वो देगा। और वे रिपोर्टें हैं अकाउंटिंग जो पूरा करती है, रिपोर्टों के रूप में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बना के वो रिपोर्टें हैं वो देख के उसकी पूर्ति हो जाती है। उसी प्रकार एम्प्लॉय जो कंपनी के अंदर अपनी सर्विस दे रहा है और उसको क्या है कि एक पर्टिकुलर उसको सैलरी मिलती है, दूसरे बेनिफिट मिलते हैं। अगर बिजनेस की वो भी जानना चाहेगा कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्योंकि उसका भी भविष्य उससे जुड़ा हुआ होता है और वो अपने भविष्य को सेव करने के लिए, अगर बिजनेस स्मूथली अगर अच्छा काम कर रहा है, अच्छे मतलब की ग्रोथ कर रहा है, तभी वो उसमें क्या है अपनी सेवाएं देगा। अगर बिजनेस डूब रहा है तो वो क्या है कि वहां से दूसरे बिजनेस को चेंज करना पसंद करेगा, दूसरे में जाना पसंद करेगा, क्योंकि वहां पर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, वहां पर वो अपने आप को सेफ नहीं समझेगा। तो जो सर्विस प्रोवाइड दे रहा है वो उसके अंदर एम्प्लॉइज है। उसके बाद में आ जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी बिजनेस के अंदर हित होता है, उसे भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स के रूप में क्या है कि बिजनेस से क्या है कि जो रेवेन्यू है वो लेती है, और जो क्या है कि वो टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी ये चाहेगी उसको कितना उसने मतलब कि जस्टिफाई इंफॉर्मेशन, जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सेल्स कितनी हुई, कितना उसके ऊपर टैक्स हुआ आदि जो इंफॉर्मेशन है वो भी गवर्नमेंट को जस्टिफाई करनी होती है। इसलिए इसे क्या है कि गवर्नमेंट को भी इसके अकाउंटिंग जो है वो अपनी रिपोर्ट्स के द्वारा उनको जस्टिफाई करने में मदद करती है। तो इस प्रकार आज हमने ये देखा कि अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और उनकी जो नीड्स है वो क्या है। तो मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।